Hi everyone. I'm recording this message at home and I hope you're seeing this at home. Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places, public transport like trains and buses. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe, and take care. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, मैं रवि चौहान। हम इस वक्त खड़े हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के विधानसभा गोदरपुरी क्षेत्र में आकर आपको एक नजारा दिखाने जा रहा हूं, जो आज 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9:09 पर अपने घरों में बालकनी में दीये जलाने की बात कही थी। वो वक्त आ चुका है, आज घड़ी आ चुकी है, 9:09 है, आप बहुत बच चुके हैं घड़ी में। और वो नजारा ये वो नजारा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। एकता का मिसाल है, वो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आपने टॉस डायरेक्ट किया है, पूरा पालन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्या कहना चाहते हैं अपने युवा दोस्तों? कोरोना वायरस एक तरह से दूसरा त्यौहार है। कैसे त्यौहार है? ये तो बीमारी है। बीमारी है तो जैसे बीमारी है तो मोदी जी ने आज त्यौहार था महसूस किया जा रहा है। अच्छा, हमें इससे लड़ना है, हमें इससे लड़ना है और हमें अपने देश को बचाना है, जो मतलब ये आगे बढ़ रहा है उसको रोकना है और मतलब अपने देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा एक अच्छा मैसेज दिया है इस बच्चे ने और बताया है कि कोरोना वायरस एक ऐसी घातक महामारी है, इससे बचने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और इस महामारी से लड़ने के लिए जो आज देखने को मिल रहा है देश भर में, कहीं ना कहीं वो त्यौहार ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन दिवाली जैसा त्यौहार है। ऊपर देख ऊपर मैं वो तस्वीरें दिखाने चाहूँगा कि वो तस्वीरें हैं, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं और ये कैंडल लोगों ने जला रखा है, अपनी बालकनी में सब खड़े हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं आपको कैंडल है और यहाँ पर दिए हैं, कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश एक पूरे देश भर में जा रहा है। तो आज आपने ये मैसेज दे रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है जैसे कि ये कैंडल है, तो क्या कहना चाहते हैं युवा लोगों से? मोदी का सपोर्ट है, मोदी का सपोर्ट। कोरोना वायरस है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस है। तो हमारे साथ में एक माता जी और भी जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि और ये लाइट प्रोग्राम रखा हुआ है इसके लिए, तो मोदी जी का मतलब आपने अमल किया इन बातों का और तैयार है लड़ने के लिए। हाँ जी, तो एक वायरस है ये देश भर में फैला हुआ है, इसको खोने के चक्कर में। अच्छा, ये भगाना चाहते हैं? हाँ। तो देखिए हमारे साथ माता जी भी जुड़ी हुई, वो भी कह रही हैं कि इस वायरस को हमें खत्म करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। और हमारे साथ बाबू जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिश्चंद शर्मा। आज इतना बड़ा देश के अंदर महामारी आ चुकी है, आज पूरे देश ने मोदी जी के साथ साथ उनके मार्गदर्शन में ये संकल्प ले लिया कि कोरोना को हम भगा के छोड़ा है। पूरे भारत देश में 5000 से ऊपर आंकड़ा आज दोनों ने आह्वान किया है कोरोना को भगाने का, एक संकल्प के साथ। संकल्प है, एक संकल्प हमने जो यहाँ दिए जला करके लाइट जला कर सारे ये एकता का मैसेज है। आज हम एकता का मैसेज दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमें कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। देखिए कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हम लोग नहीं डरेंगे और जो महामारी से लड़ने के लिए हम तत्पर खड़े हैं और जो जनता यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरी तरीके से अपने साथ में खड़ी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ में भी खड़ी है। और ये तस्वीरें यहाँ कुछ दिखाना चाहूंगा कि घरों के बाहर लाइटें जल चुकी हैं और एक तरफ का ये नजारा है, वो ये नजारा साफ दिख रहा होगा आपको, किस लगे लोग यहाँ पर खड़े हैं और लाइटें जल रही हैं लगातार। ये वो लाइटें हैं जो आज 5 अप्रैल 9:09 पर जल चुकी है और सभी एकता का एक मिसाल देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात तरफ ये बताना चाहूंगा कि दिवाली एक त्यौहार इस यहाँ पर इस दिल्ली क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। देखिए आपको अपने अगले हमने एक खबर में दिखाया था कि जो ये खबर थी 8:20 का एक नजारा था, 8:20 में ही लोगों का उत्साह से बन गया था और एक ऐसा घर हमने दिखाया था आपको कि जो घर था वहाँ पर दिए जलाने का जो प्रोग्राम रखने की 9:09 की गई थी, वो एक ऐसा सच थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर सुबह से ही दिए बांट रखे हैं और दिए बांटने का कार्य भी किया जा रहा है। दिल्ली से रवि चौहान, स्टार न्यूज। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।